पालक उबाल करके और इसका पेस्ट बना लिया है। तेल गर्म करके हमने यहाँ जीरा डाला है, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, हम डालेंगे थोड़ी सी घिसी हुई अदरक, कटी हुई एक टमाटर, नमक स्वाद के अनुसार। इस समय आप इसमें लहसुन और प्याज डालें तो आप डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिक्स सब्जी मसाला पाउडर, इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे। और इसमें जो पीसे हुए पालक के पेस्ट हैं वो इसमें हम डाल देंगे। और ये पालक उबालने का पानी बच गया है, इसे हम मिक्सी में डाल करके इसे अच्छी तरह से धो करके पानी हम उसमें डाल देंगे। तो ये पानी भी हम इसमें डाल देंगे। ग्रेवी आप अपने अनुसार रखिए, आप कितना गाढ़ा रखना चाहें उतनी गाढ़ा रखें। और इसमें इस वक्त आप जिस तरह हम मसाला भूज रहे थे उसमें एक दो आलू भी आप काट करके भून करके इसमें डाल सकते हैं, तो पालक कढ़ी, आलू पालक की कढ़ी बन जाती है, वो भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। एक बार उस तरह भी बना करके देखिएगा। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक उबलने तक पकाएंगे। और ये देखिए ये उबल चुकी है, इसे 5 मिनट तक हम और पकने के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि इसमें कच्चापन नहीं है क्योंकि पालक को हमने पहले ही उबाल दिया है, फिर भी हम इसे 2 मिनट तक और पका लेते हैं। अब हम इसमें एक मुट्ठी कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसे उतार लेंगे। अब इसमें हम छौंक लगाएंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ तेल को गर्म होने दे दिया है। तेल गर्म होने पे हम इसमें कटी हुई लहसुन को डाल देंगे, इसे थोड़ी सी हम पका लेंगे ब्राउन होने तक। अब इसमें हम एक कटी हुई प्याज भी डाल देंगे और इसे सुनहरा होने तक हम इसे भून लेंगे। इस तरह चला करके हम इसे भूनने तक, जब तक ये ब्राउन हो जाएगी, सुनहरा भून जाएगी तब तक हम इसे भूनेंगे। और ये देखिए ये हमारी प्याज लहसुन दोनों सुनहरी भून गई है। और ये पालक में हम छौंक लगा देंगे। खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, आप इसे रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, एक बार ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।